नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। दिल्ली के लाल किला में करीब एक हफ्ते पहले मृत पाए गए 15 कौओं के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक कौओं की मौत के बाद सैंपल जलंधर और फिर भोपाल भेजे गए थे। सोमवार रात को आई मृत कौओं के सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। वहीं इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने लाल किले को आम जनता की आवाजाही के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। लाल किला घूमने आए पर्यटकों को संक्रमण से बचाने और बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनजर लाल किले में आम लोगों की एंट्री पर आज 19 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि 22 जनवरी से 26 जनवरी तक लाल किले को हर साल बंद किया जाता है, लेकिन बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इसे पहले बंद कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया था। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक मृत ब्राउन फिश उल्लू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। चिड़ियाघर फिलहाल आम लोगों के लिए बंद है। आपको बता दें, दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी से लिए गए सैंपल बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। दिल्ली सरकार ने अलग अलग पोल्ट्री मार्केट से करीब 100 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली में बर्ड फ्लू के कुछ मामले मिलने के बाद केजरीवाल सरकार ने एहतियात के तौर पर गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया। मालूम हो कि दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी, जब मयूर विहार, द्वारका और राजधानी के अन्य हिस्सों में मृत को और अन्य पक्षियों के सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कम से कम 35 मृत कौवे पाए गए हैं। जसोला के एक जिला पार्क में 24 कौवे मृत पाए गए और संजय झील में 10 बतखों की मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।